Hello, Bacho. Let's read this question. The question says Which one of the following is correct matching of the site of action of the given substrate, enzyme, एक्टिंग अपॉन इट एंड द एंड प्रोडक्ट तो यहाँ पे हमें क्या कर है एंजाइम दे रखे हैं और वो एंजाइम्स किस पे वर्क हो रहे हैं गिवन सबस्ट्रेट दे रखा है और उस एंजाइम्स का एक्ट करने के बाद उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या सही मैच हो रहा है वो हमें इसमें बताना है करेक्ट जो मैचिंग है वो हमें बतानी है तो स्टमक है स्टमक क्या इनकी स्टमक का मतलब कि स्टमक के अंदर हो रहा है फैट्स हैं फैट्स में लाइपेज एक, इसमें एक्ट कर रहा है और ये माइसेलिस बना रहा है ड्यूडेनम है ट्यूडेनम में क्या हो रहा है ट्राई जो है हमारे वो कन्वर्ट हो रहे हैं मोनोग्लाइसराइड्स में बाय द ट्रिप्सिन देन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्च जो हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज किसमें माल्टोज में जो कि एक डाई है देन हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स जो है वो कन्वर्ट हो रही है अमीनो एसिड्स में जो कि जो एक्शन है उस किसका है वो पैप्सिन का है तो यहाँ हमें देखना है करेक्टली मैच किसका हो रहा है तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में यहां पे हम क्या देख रहे हैं एक्शन ऑफ एंजाइम्स एक्शन ऑफ एंजाइम्स एक्शन ऑफ एंजाइम्स देख रहे हैं एंड इसमें ये हो अब हम ये इसका क्या है की कॉन्सेप्ट है एक्शन ऑफ एंजाइम देख रहे हैं प्रोसेस कौन सी है हमारी इन डाइजेशन तो डाइजेशन के अंदर इस प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं एक्शन ऑफ एंजाइम्स को देख रहे हैं तो अब बात करते हैं हम अपना सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है स्टमक में हो रही है तो फैट्स जो क्या कर रहे हैं तो फैट्स जो है लाइपेज के एक्शन से जो माइसेलिस के अंदर माइसेलिस होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं जो आपके क्या करते हैं जो बिगर फैट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर में और जिनको हम माइसेलिस कहते हैं तो एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या है इमल्सिफिकेशन है इमल्सिफिकेशन है ये प्रोसेस इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस जो होती है वो आपकी इंटेस्टाइन में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है कि जो आपका ये जो आपका जो बाइल स्क्रीशन होता है वो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम की बात हो रही है यहाँ पे तो ये इमल्सिफिकेशन होता है जहाँ पे आपका क्या करते हैं जो बाइल जो होता है ये इमल्सिफिकेशन करता है और ये क्या करता है ये कौन करता है बाइल है विद द हेल्प ऑफ द बाइल तो बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बाइल जो हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके जो लार्ज फैट लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं या ग्लोब्यूल्स जिनको हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं इनको माइसेलिस कहते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं माइसेलिस कहते हैं लेकिन ये प्रोसेस और लाइपेज जो है वो एक्टिवेट करती है इस प्रोसेस को जब ये स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर आ जाते हैं लेकिन ये प्रोसेस स्टमक में नहीं होती है लाइपेज स्टमक में रिलीज होता है लेकिन वहाँ से बाकी कंपोनेंट से फैट जो है वो आपका सेपरेट हो जाता है लेकिन इसका जो डाइजेशन जो है वो आपका इमल्सिफिकेशन के बाद और इमल्सिफिकेशन मिलता है उसको ये बाइल जो आपके जो बाइल सॉल्ट होते हैं उसके बाद इसकी इमल्सिफिकेशन होती है ये बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में देन आपका लाइपेज जो है इस पे वर्क करेगा लेकिन ये प्रोसेस गलत क्यों है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है स्टमक के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है इसलिए ये आपका गलत मैच है देन हम सेकेंड बात करते हैं अपनी बी की बात करते हैं और बी आपका क्या आ जाएगा ड्यूडेनम आ जाएगा तो अब ड्यूडेनम की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूडेनम के अंदर क्या है ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे ये कह रहा है फैट्स की जो डाइजेशन जो फर्दर अब स्मॉल माइसिलीज ये बन गए अब फर्दर जो आपका क्या करते हैं कि जो ट्राइगलाइसिराइड्स हैं हमारे ये जो आपके ट्राई ग्लाइसिराइड हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मोनोगिलाई में और मोनोगलाइसिराइड और और ग्लाइसिरोल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइसिराइड में ये कन्वर्ट्स हो जाते हैं लेकिन एक्शन ऑफ लाइपेज इंटेस्टाइन में होता है लाइपेज के एक्शन से होता है ट्रिप्सिन यहां गलत है ये प्रोसेस भी गलत है क्योंकि ट्रिप्सिन का काम क्या है आपका वर्क करता है प्रोटीन्स पे ये आपका प्रोटीन की ब्रेकडाउन में ये वर्क करता है ये आपका फैट्स की ब्रेकडाउन ये ट्राइग्लाइसाइड से वो मोनोग्लाइसाइड में चेंज नहीं करता इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी देन हम बात करते हैं अपने सी ऑप्शन की तो यहाँ पे क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है सेलिब्ररी एमाइल इसमें सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है आपकी एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसके अंदर आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज आती है ये आपकी और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करती है स्टार्च को स्टार्च के ऊपर ये एक्शन करती है अल्फा एमाइलेज और ये उसको ब्रेक कर देती है माल्टोज के अंदर तो ये आपका पॉलीसेकेराइड है माल्टोज की अगर बात करती हूँ तो माल्टोज आपका है कुछ अमाउंट ऑफ ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है है क्योंकि स्टमक में में इसमें आपके जो 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 स्टार्च की डाइजेशन होती है, वो बकल कैविटी स्टार्ट हो जाती है वहां पे सेलिब्री अमाइलेज प्रेजेंट होता है वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ माल्टेज माल्टे में ये ब्रेक हो जाता है बट सारा का सारा नहीं होता तो ये जो आपका एसिडिक जो कायम होता है जो पल्पी फ्लूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां कुछ अमाउंट ऑफ स्टार्च भी बड़ा होता है तो स्टार्च पे अल्फा माइलेज जो आपका स्क्रीट होता है और ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है माल्टोज आपका क्या है डाई सेकेराइड है यानी कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यानी कि दो शुगर के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है और इसमें बहुत सारे हैं इसलिए ये पॉलीसेकेराइड है तो इसको हम कहते हैं डाई सेकेराइड सेकेराइड का मतलब होता है शुगर एंड ये आपका जो डाई है मतलब टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर है इसमें इनकी ग्लूकोज और ग्लूकोज है इसके अंदर प्रेजेंट है तो डाई सेके राइड में ये ब्रेक कर देता है इसको तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये हो रही है इसका जो एंजाइम और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो रहा है देन हम बात करते हैं अपना डी की डी में क्या लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तो हो गया यहाँ पे प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है प्रोटीन को ब्रेक किया जा रहा है एमिनो एसिड्स के अंदर एमिनो एसिड्स के अंदर ब्रेक किया जा रहा है लेकिन पेप्सिन जो लिखा है वो गलत है जो यहाँ पे पेप्सिन लिखा है ये गलत है क्योंकि पेप्सिन जो प्रेजेंट होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन जो प्रेजेंट है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है वहां पे वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स की पेप्टोन्स में एंड ये जो आपका जो आपका यहाँ पे अमीनो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टैंड की बात हो रही है यहाँ पे आपका ट्रिप्सिन वर्क करता है यहाँ पे आपका ट्रिप्सिन वर्क करेगा वो अमीनो एसिड को फाइनल जो फाइनल जो डाइजेशन है प्रोटीन की वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी यहाँ पे पैप्सिन जो है वो स्टमक पे है स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है और ये भी वर्क किस पे करता है ये भी वर्क आपका प्रोटीन्स पे ही करता है तो ये आपका प्रोटीन से पैप्टोन के अंदर उसको चेंज कर देता है फाइनल डाइजेशन प्रोटीन के स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है इसलिए तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा तो अब हमारे पास जो सही करेक्ट जो मैच हो रहा है वो आपका सिर्फ सी है जहां पे आपके स्मॉल इंटरस्टाइन में ही प्रोसेस हो रही है स्टार्च पे अल्फा अमाइलेज ही वर्क करता है और ये माल्टोज में चेंज होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है तो उसको हम लिख सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा दैट इज सी होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक